राम राम जी। कैसे आप सभी? हम पर जी दया है, आप सभी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है। एकदम बढ़िया। सुबह के हो गए हैं 9:25। तो आज का हेयर चैलेंज कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, फिर योशी का हेयर वॉश होगा। तो आज है जी 10वां दिन। तो ये पानी ले लेते हैं छान के। ये लोग जो खेल गए भी कितना 10:30 से ऊपर हो गए, 11:15 हो गए। कितने बजे गए थे? 9:40 गए थे। कपड़े धुल चुके हैं जिनके, व्हाइट कराटे वाले स्कूल के, तो ये सुखाते हैं पहले। तो आज करना है जी मुझे वही हेयर वॉश, योशी भी करेगी, पर वो खाली पानी से करूँगी उसका, तो क्योंकि उसके बालों में सिर्फ मेथी कलौंजी का पानी ही लगाती हूँ, तेल नहीं है। और मैंने हेयर ऑयलिंग की थी कल रात को, तो मुझे तो प्रॉपर शैम्पू करना है। संडे को मेहंदी लगाने का सोच रही हूँ, तो अच्छे से करनी पड़ेगी। तो मैं सोची शैम्पू का बना लेती हूँ, इसमें कुछ रीठा रह गए थे अभी, तो वही उन्हीं को मैं बीज निकाल रही हूँ इस तरह से पिचोर पिचोर के। दाल रखी थी थोड़ी सी ना, फ्राई कर दूंगी तो निशु भी खा लेंगे, तो इसको फ्राई करते हैं। अंकुरित हो रही है। दाल हो गई है जी फ्राई, थोड़ी सी मिर्ची डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक, बस नींबू डालेंगे तो बच्चे ही खाएंगे। तो पूछूंगी नींबू के खाएंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब डालेंगे। बहुत ज़्यादा किसी भी गर्म चीज़ में नींबू नहीं डालना चाहिए, ना ये जो गर्म पानी पीते हैं ना हनी वाला, उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्म किसी भी चीज़ में नींबू ऐड नहीं करना है, तो कुछ उसमें ना रिएक्शन होता है अगर बहुत ज़्यादा गर्म में ऐड करते हैं। तो हल्का गर्म रहेगा ना, ऐसा रहेगा कि हाँ भाई खा सकते हैं, तब ऐड करूँगी उसमें। इधर रख दिया मैंने दूध, भैया 11 बज चुके हैं, रख देते हैं दूध, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, पानी पीती हूँ तब तक। इनका चल रहा है घोड़े की सवारी दोनों के, इनके बस इधर क्या कर दिया, बैठ चादर देख लो क्या कर दिया जी, क्या छुप रहे हो, दिख गए, ये इधर पढ़ाई कर रही है अपने। हम उसका पानी पी ले, पानी पी, नॉर्मल पानी पियो। बच्चों के घर में चादर वगैरह तो ठीक रह ही नहीं सकती जी, क्या करूं, पता नहीं मेरे बच्चे करते हैं कि सबके बच्चे, जिस बेड पे बैठे उसी की चादर का कर दिया काम। दरवाजा खुला पड़ा है, धूप निकली अच्छी सी प्यारी सी, पेड़ों में पानी देना था। निशु को दिलाती हूँ ये छोटे मोटे काम तो वही कर दे तो ठीक है, इस बार ने उसको रही कि कुछ काम करना है मुझे भी। योशी गई है लाइब्रेरी में और निशु खेल रही है। लाइट बंद करते हैं, वेस्ट नहीं करेंगे, ये पर्दा नहीं हटाया ताकि उजाला आ जाए, कहीं लाइट की कम ज़रूरत पड़े। इधर से हवा आ रही है, ये मेरी बेल अच्छी हो रही है, बढ़ रही है अभी तो, थोड़ी सी ऊपर तक पहुंच गई उधर तक, सही है इसकी ग्रोथ। एक बार तो कपड़े धो के सुखा दिए जी वाइट वाले, अभी कलर वाले कपड़े चला रखे हैं तो कपड़े धुल रहे हैं। मैंने दाल खाली थोड़ी सी छोड़ी, बताओ इसका क्या छोड़ा, तो ये दाल लेके मैं ही खा लूँगी। तो और दूध तो गर्म हो चुका है, खाना देखते हैं आज क्या बनाते हैं। पेठा रखा कई दिन का, उस दिन बनाया था थोड़ा सा पेठे की सब्जी, बाकी रखा ही है तो वही यूज कर लेते हैं, क्योंकि रखे रखे भी फिर चीज ये रखा, देख कैसा हो गया। मैं करती हूँ पेठे के पराठे बना लेती हूँ आज,
यूज भी हो जाएगा ये, थोड़ा बासी सा होगा, उसको निकाल दूंगे। ये बनाती हूँ। 10 रुपए चीजी खरीदे। चीजी की एक आलू, इससे जी मैंने आलू मंगाए थे, एक केजी कितने का है? 44। ठीक है। और लाइब्रेरी में गई? गया, लेकिन वहाँ तो कोई था नहीं। ओके, ये गई थी जी लाइब्रेरी में। वो होती है जब लाइब्रेरी खुलती है या बंद होने का टाइम होता है। आ जाओ, डोर ओपन करो। दरवाजे के बाहर खड़े रहने से थोड़ी काम चलेगा। बेटा पहले नहाएगी, नहाई नहीं है वो सुबह से, नारियल पानी पी गई जी। तो आप पहले नहा लो, ये आपके घर रहेगी। अब भूमिका के घर चल दी, और फिर दोनों बैठ के पढ़ाई करना। नहा के आ जाओ भूमिका, तू भी ठीक है। दरवाजा बंद कर जाड़ी वाला। का खाना जिसमें पेठे के पराठे, मिर्च का अचार, धनिया की चटनी, दही, सलाद में खीरा और गुड़। नमस्ते बुआ जी। रोटी खाओगे ना? तो रोटी खाओगे, पराठे बना रहे हैं, खाओगे? तो रख दूं ये लोग चल रहे हैं जी, थोड़ा लाइब्रेरी में जाएंगे, फिर ये खेल के आएंगे। शाम के सही 6 बज गए हैं। अरे तुम इतनी शरारत मत करते जाओ, ठीक है? अरे ये जूते हैं, निशो आराम से। बेटा इधर आ। मैं ननद भी जाते हैं जी, थोड़ा सा बाहर, अच्छा ठंडा मौसम है, थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ी सी कुछ देखेंगे वगैरह करेंगे, बर्तन है चाय के, ये आके वॉश करूंगी मैं। तो अभी मौसम हो गया अच्छा, बाहर चलते हैं। आज भी बच्चों की कल छुट्टी, अभी 2 दिन की, पूरे बच्चे मजे ले रहे हैं पार्क के, भीड़ हो रही है। साजी और शेर नहीं आई, ये बच्चे खेल रहे। आए बेटा वो भी, ये बैठी हमारी फ्रेंड, बात कर। जिम में चलो थोड़ा, हम भी जिम में आ गए जी अभी थोड़ी देर। जितनी आप पौंदी हो पकड़ो मत ना। जी एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी बातें भी चल रही हैं, और बस हो गया, चलते हैं घर। हो गई भाई, कई देर कर ले, पसीने निकाल ले मेरे ननद ने जी, चले अभी। चलो रे, चलो चलो जी, बोलते हैं बच्चों को, चलते चलो। 5 मिनट, ये 5 थारो ना हो टाइम इनका ना हो। अच्छा पिट्ठू खेल रहे हैं जी, पिट्ठू आज तो पिट्ठू चेंज कर दिया, आज तो पिट्ठू खेलने लग गया, वो नहीं खेल रहे आज, क्रिकेट बंद कर दिया, आज पिट्ठू खेल रहे हैं बच्चे। ओ गई गई गई, नया खेल रहे जी आज तो, बिल्कुल पास फिर भी नहीं मार रही, रेत उठा उठा फेंकने लग गए जी लास्ट में, इनका ये खेल चल रहा है। ये 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 चीकू चीकू रहने दे, चीकू रहने दे, चीकू नहीं पकड़ के ले जाओ घर, चलो घर चलो, गई इधर सारी रेत की हो चुकी, घर चलो उधर हो। योशी योशी चल दीप बेटा, चलो देखी ना रेत झाड़ने लग रही, योशी आ जा, ए ए देख कैसे, ए आ जाओ भाई। 9 बजे उठ, 9 बजे तो ये उठे हैं, 7 बजे कैसे आएंगे खेलने के लिए? 8 बजे तक बहुत लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, वो 8 बजे तक खेलने दो, छुट्टी है। घर आते ही देख लो जी कितने अच्छे सीधे बच्चे बन गए हैं, जस्ट घर आए हैं अभी, और आते ही पानी पिया है, पानी पिया है और पढ़ाई करने लग गए हैं, देखो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा देर खेल गए, टाइम हो गया जी 7:45,
और मैं ये तो बैठ गई नहाए धोएंगी क्योंकि मिट्टी से खेल के हैं तो पूरा उड़ा उड़ा के, तो थोड़े से पसीने सूख जाते हैं इनके, फिर ये नहा के आएंगे। मैं करती हूँ किचन का काम, बर्तन पड़े हैं, पहले तो चाय के थोड़े पॉपकॉर्न वगैरह बनाए थे वो सब, हस्बैंड टिफिन वगैरह है, तो ये बर्तन धोती हूँ और खाना पीना बनाती हूँ, तो ये सब काम करती हूँ। तो अभी तो लगेगा काम में, काफ़ी देर लग जाएगी, तो ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। कल फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम जी। वेरी गुड, कपड़े उतार दिए जी, बारिश आ गई, बारिश, ओहो क्या हवा आ रही है, क्या मस्त हवा आ रही है, ओहो आएगी जोर की, आ गई आ गई, आ जाओ जल्दी अंदर आओ।